दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भूलभुलैया 2 मूवी के रिव्यू के बारे में। बॉलीवुड की मशहूर हॉरर कॉमेडी फिल्म भूलभुलैया को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया था। फिल्म की कहानी के साथ दर्शकों को इसकी स्टार कास्ट भी अच्छी लगी थी। बीते कुछ दिनों पहले मूवी का टीजर रिलीज किया गया था। टीजर काफ़ी डरावना है। टीजर में कार्तिक आर्यन का लुक काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। गले में रुद्राक्ष की माला, सिर पर गमछा और कुर्ता पहने कार्तिक का स्वैग देखने लायक है। टीजर को देख फैंस का बेसब्री से इंतजार है कि ये मूवी कब रिलीज हो। ये मूवी 20 मई 2022 को रिलीज होने वाली है। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो उसके मेन लीड रोल पे कार्तिक आर्यन हैं और कियारा आडवाणी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा और तब्बू नजर आ रही है। वहीं भूलभुलैया 1 में अक्षय कुमार थे, विद्या बालन, राजपाल यादव, अमीषा पटेल, साइनी आहूजा और परेश रावल नजर आए थे। ट्रेलर काफ़ी रोमांचक है। इसमें दिखाया जाता है कि अंधेरी हवेली में अचानक परछाई नज़र आती है, जहां पहले कभी सुनी हुई आवाज़ फिर गूंजती है। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मंजुलिका की आवाज़ होती है। वही पुराना गाना सुनाई देता है। तभी हवेली के अंदर अरसों से बंद पड़े पुराने दरवाजे के पीछे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है और तभी एंट्री होती है कार्तिक आर्यन की। ट्रेलर में फिर एंट्री होती है तब्बू की और वो बताती है कि ये काला जादू करने वाली मंजुलिका है। कार्तिक आर्यन इस दौरान कियारा आडवाणी से मिलते हैं, जहां दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और गाना बजाने के बीच में मंजुलिका जब कार्तिक आर्यन को कहीं नहीं दिखती है तो वो पुराने डायोडी में जाकर सुरक्षा कवच लगे दरवाजे को खोल देते हैं और उसी के अगले दिन हलचल पता शुरू हो जाती है, जिसके बाद होती है मंजुलिका की एंट्री। जब कार्तिक आर्यन की आंख खुलती है तो मंजुलिका के दर्शन उन्हें हो जाते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनीस बज्मी द्वारा और उनके द्वारा बताया गया है कि भूलभुलैया 2 का इसके पहले पार्ट से कोई कनेक्शन नहीं है और जो पिछली फिल्म की तरह ये साइकोलॉजिकल कहानी नहीं बल्कि एक भूत की कहानी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस फिल्म की शुरुआत भी वहाँ से नहीं होगी जहाँ से पहली फिल्म की एंडिंग हुई थी। उन्होंने कहा दोनों फिल्मों का नाम भले ही एक हो लेकिन इन फिल्मों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी वजह से इस फिल्म में अक्षय की जगह पे कार्तिक आर्यन और विद्या बालन की जगह पे कियारा आडवाणी दिखाई देंगे। दोस्तों आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।